मैं ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा एंड पार्टी की तरफ से एक कहानी आप सबके बीच में भेज रहा हूँ। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप सबका जरूर पसंद आए, आप सबके आशीर्वाद जरूर मिले। रिकॉर्डिंग सुर सरगम फिल्म प्रोडक्शन सेमरी बाजार सुल्तानपुर। देखिए कहानी में चार लाइन की भूमिका बा। शक्तियां सत्य बल से ऊपर उठी, जिसका गुण गा रहा आज संसार है। त्याग जब तब तो ही सत्य की नींव है, सूर्य असुर जीव जड़ जिसका ही दास है। लहलहाती ध्वजा जिसकी हर मोड़ पर, कीर्ति अपना जगत में जगाए सती। जब चुनौती दिया विधि के विधान को, सोए कैलाश में जागे गौरापति। मास्टर एक यहीं पे तर्ज लगी बा। जब घड़िया बजाए साढ़े चार, तो नदिया के पार आई हा। तर्ज नहीं लेकिन भाव कैसे बा बाबा। किस सती आंसू में धोवे चरणवा के धूल फूल बरसे गगनावा से। कभी विचलित न होती मनवा से, सतियासू में धोवे चरणवा के धूल फूल बरसे गगनावा से। सत्य और निष्ठा मेरे देश की संस्कृति है, प्रेम की जिंदगी जीना यहाँ की नीति है। सत्य की नींव से सृष्टि का आविष्कार हुआ, सत्य ही ईश्वर साकार निराकार हुआ। देश कश्मीर यशोपति की राजधानी थी, बिना संतान दुखित राजा और रानी थी। ए बाबू, कश्मीर में एक राजा जिनका नाम अशुपति, धन और संपत्ति सब कुछ रहा, लेकिन बाबू उनको एक कष्ट रहा कि उनके पास कोनो संतान नहीं रही। बाबा, राजा और रानी विचार करने लगे अपने पंडित जी से बुलवा करके कि गुरु जी बता दीजिए हमारे कोई संतान होगी कि नहीं। तो पंडित जी विचार करके कहने लगे कि आपको अगर संतान की प्राप्ति करना है
तो इस किसी बियाबान जंगल में जा करके आप तप कीजिए, इससे अवश्य आपको संतान मिलेगी। और पंडित के विचार से राजा और रानी जा करके तप करने लगे, एक जंगल में जाकर तप करने लगे। 18 वर्ष बीत गया बाबूजी। 18 वर्ष के बाद रानी एक बच्ची को जन्म देती हैं, और बच्ची इतने सुंदर, इतना सुशील कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। कि 18 वर्ष बाद भूप को वरदान मिला, रानी गर्भवती दिल का सब अरमान मिला। उस बच्ची को पालते पोसते गए कि बाबू, उस बच्ची का नामकरण पंडित जी के अनुसार से सावित्री धराया गया। और सावित्री नाम सुनते ही राजा और रानी खुशहाल हो गए, और अपनी बच्ची को देख देख कर खुशी होने लगी। जब वो बच्ची बड़ी होती गई तो मास्टर यही पर तर्जिया बदल गई बा, कि परदेशवासे हर पारा देशवासे बलमा मोरा लावे लाना। लेकिन भाव कैसे लगा बा? बाबा कि धीरे धीरे बाबा, अरे धीरे धीरे जब सयानी भय करी नवाना, धीरे धीरे जब सयानी भय करी नवाना, धीरे धीरे जब सयानी भय करी नवाना, करी नवाना हे करी नवाना, हे करी नवाना हे करी नवाना, धीरे धीरे जब सयानी भय करी नवाना, धीरे धीरे जब सयानी भय करी नवाना। तो धीरे धीरे जब सयान भय हर करी नवाना, और राजा दुल्हा खोज सागर ओ जहां नवाना, राजा दुल्हा खोज सागर ओ जहां नवाना, राजा दुल्हा खोज सागर ओ जहां नवाना, हे जहां नवाना हे जहां नवाना हे जहां नवाना, राजा दुल्हा खोज सागर ओ जहां नवाना, राजा दुल्हा खोज सागर ओ जहां नवाना। ए भैया, राजा को फिकर हो गई कि मेरी बिटिया शादी करने योग्य हो गई, सावित्री शादी करने के योग्य हो गई। राजा को फिकर हो गई, और देखे राजा करता है का बाबा, कि देश में घूमे चौमुख घोड़ा, और मिले ना सावित्री के जोड़ा, अरे राजा व्याकुल भैले सोच अपने मानवाना, सावित्री के लायक वर नहीं मिल रहा है। अगर घर मिलता है तो वर नहीं, और वर मिलता है तो घर नहीं। राजा बड़े व्याकुल हो गए, अपने सेनापति को, अपने पंडित जी को बुलवा करके चारों ओर घोड़ा दौड़ा लिए, लेकिन सावित्री के लायक वर नहीं मिला। और व्याकुल होकर के अपने बिटिया सावित्री से कहने लगे कि बेटी,
कहे अशुपति सावित्री से सब विध बेटी हो गुणवान। अय अधिकार तुझे है बिटिया दुल्हा खोजो अपने समान। अरे रथ को साज चली सावित्री तीर्थ यात्रा किया बयान। बाबूजी राजा जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी बिटिया का घर पर नहीं मिल रहा है और अपने बिटिया से कहने लगे कि बेटी अपने लायक पर खोज लीजिए, तुम्हें पूरा अधिकार दे रहा हूं। सावित्री अपने पिता के कहने के अनुसार अपने घोड़े को सजा लिया और तीर्थ यात्रा के बहाने चल दिया। पहुंची एक बगीचे अंदर, अरे पहुंची एक बगीचे अंदर, देख पड़ा सुंदर नौजवान। इधर सावित्री तीर्थ यात्रा के बहाने जब निकल पड़ी अपने घर से और रास्ते में जाते जाते प्यास लग गई। सावित्री सोच रही है मैं किसी तरह से अपनी प्यास बुझा लूं, तो देख रही है कि बगिया में कोई कुआं है कोई कुटिया है, उसमें जा करके मैं पानी अपनी प्यास बुझा लूं। जैसे ही उस बगिया में सावित्री जाती है तुरंत देखती है कि कोई नवयुवक जा करके और लकड़ी काट रहा है। उस नवयुवक को देखने के बाद सावित्री मोहित हो जाती है। बाबा। तो देखे गाने के भाव में कैसे बा? बाबा हर बस गए नैनवा में, हर बस गए नैनवा में, बाके दिल दर बाहर आई बगिया में। नवयुवक लकड़ी काट रहा है लेकिन सावित्री अपने मन में ही मन में सोच रही है कि इस नवयुवक से मेरी शादी हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। लेकिन वो नवयुवक का नाम रहा बाबू सत्यवान। खेले सत्यवान वही बगिया मझारी, बतावें अपने राज के कुमारी। सावित्री जाकर के सत्यवान के पैर पे गिर पड़ी और गिर करके कहे लगी कि मैं अपने लायक पर खोज लिया, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपकी अर्धांगनी, अगर यह रिश्ता मंजूर है तो हमें गले से लगा लीजिए। परिचय बतावे लगी कि मैं किसी तरह से अपने बर की खोज में आई और आप मिल गए तो मुझे सारी खुशी मिल गई।
कैले सत्यवान पूरा सत कर बहार आई बगिया में सुन करके एक बार तो शर्मिंदा हुए लेकिन बाद में कहने लगे और सत्यवान अपना परिचय बता रहे हैं कैसे कि अंधे मात पिता के ये कला होता हम ललनावा ले गईले आश्रम में पिता के समानावा रतिया सावित्री कैली वह पूजार बाहर आई बगिया में सत्यवान के घर जाकर के सावित्री अपन रात गुजार दिया और सुबह हो करके वापस घर अपने लौट आई और अपने पिताजी से बताने लगी कि पिताजी आप चिंता न करें अपने लायक घर खोज ली। तो देखें पिताजी कहने लगे कि कौन है वो जो तुमसे शादी करना चाहता है। सावित्री कहने लगी कि बाबूजी उसी बाग में लकड़ी काट रहे थे जिनका नाम सत्यवान है। बाबूजी मैं शादी करूंगी तो सत्यवान से। ए भैया अपने पंडित जी से विचार करके और शादी की तैयारी करने लगी। हाय और शादी की तैयारी करते ही पंडित जी एक विचार बता दिए राजा साहब अगर ये शादी न करें तो बहुत अच्छा है। बाबा कहें कि पंडित जी क्या बात है। कहें कि राजा साहब कि आज के एक साल बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी और यह शादी न करें तो अच्छा बात। ये भैया पहले तो अब तो ऐसे देवस्थान पर शादी कई लेते रहे देवस्थान पर शादी कई लेते हैं लेकिन पहले रहा गन्ना बैठा जाता रहा तो पंडित जी वही गन्ना में मतभेद बताई दे और जितने खुशी राजा रहे उतने दुखी हो गए। तो देखें होत बाका हरे कौने करनवा हरे सहारे भागे ओ पिया पपिया के बोलिया जहर लागे पिया पपिया के बोलिया अशुपति राजा अपने बिटिया सावित्री से कहे लेंगे बाबा कि बेटी अगर ये शादी न करे तो अच्छा बा। कहे काहे बाबू तो राजा साहब बतावे लगे हरे आके बेटी से राजन हरे कहा न लागे सारी ज्योतिष के चर्चा करना लागे सारी ज्योतिष के बिटिया कि सत्यवान की एक साल बाद मृत्यु हो जाएगी बेटी ये शादी मत करो एक साल बाद छूट मांगे के रंगनावा बाबा और कहां सावित्री होए भाग्य के लिखनावा कहां सावित्री होए भाग्य के लिखनावा कहां सावित्री
बाबू जो हमारे भाग्य में है वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। सत्यवान के चरण में हरे लगन लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करन लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करन लागे, सत्यवान के चरण में लगन लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करन लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करन लागे। सत्यवान से शादी करब वरना रहबे कुंवारी, अब हो के मजबूर के हैं ब्याह की तैयारी, हो के मजबूर के हैं ब्याह की तैयारी, हो के मजबूर के हैं ब्याह की तैयारी। हरि सत्यवान के चरण में हरे लगन लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करना लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करना लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करना लागे, करना लागे, करना लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करना लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करना लागे। कहें कि बाबू जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा, अगर मैं शादी करूंगी तो सत्यवान से करूंगी, सत्यवान से करूंगी शादी वरना रहबे कुंवारी, हो के मजबूर के हैं ब्याह की तैयारी, हो के मजबूर के हैं ब्याह की तैयारी, हो के मजबूर के हैं ब्याह की तैयारी। शादी के मावा हरे सजन लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करन लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करन लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करन लागे, शादी के मरवा सजन लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करन लागे, सारी ज्योतिष के चर्चा करन लागे। ए बाबू इधर सावित्री कहने लगी सत्यवान से शादी करूंगी नहीं तो सारी उम्र कुंवारी रह जाऊंगी, सारी उम्र कुंवारी रह जाऊंगी। ए भैया इतना सुन करके सावित्री के पिताजी राजा साहब अपने बेटी की ब्याह ठान दिए और सत्यवान और सावित्री से शादी होने लगी, भावर घूमे जाए लगे। ए भैया सिंदूर दान हो गया बाबा, सावित्री के पिता अपनी बिटिया की विदाई कर दिए, विदाई करके जब ससुराल गई आगे तेरी के भाव में, हाय हरे सजाना वहां पे लागी नहीं आए, हे बाबू सजाना वहां पे लागी नहीं आए, तो सत से सती मेट दी ब्रह्मा कैली खानवा सजानवा पे लागी नहिया, अपने पति सत्यवान के साथ और अपने सास ससुर के साथ रहने लगी, बाबा खुशी खुशी रहने लगी। ए बाबू समय बीतता गया, समय बीतता गया, आगे भूत बका दिखे, अरे पति प्रेम में सुख भैले सपनवा वही बनावा में, अरे पति प्रेम में सुख भैले अरे सपनवा वही बनावा में, और सास ससुर के पूजे नित चरणवा वही बनावा में, सास ससुर के पूजे नित चरणवा वही बनावा में।
हर तापस भेष में सावित्री भई पति सेवा में लीन हो और धीरे धीरे सत्यवान के आयल मौत के लीन हो। हर मिथ्या ना भैले ज्योतिष के हरे लिखनवा वही बनवा में और भैले सत्यवान के मरनवा वही बनवा में वाली मित्र समय बीतता गया बाबा समय बीतता गया शादी का एक साल होने जा रहा है तो देखें बाबू होत बाका बाबा कि एक साल के बाद होने का कोई टाल नहीं सकता है। एक साल बाद एक दिन की बात बा सत्यवान और सत्यवान बाग में जाकर के लकड़ी काटे। उनका काम यही था कि बाग में जाकर के लकड़ी काटे और जो बाजार में बेच के देख लकड़ी काट करके और जो पैसा मिले वो अपने घर को परिवार को चलाए। एक दिन की बात बा सत्यवान बाग में जाकर के लकड़ी काटने लगे डाल से गिर करके और सत्यवान की मृत्यु हो गई। ये सूचना जब सावित्री को मिला तब बिलख हुई अपने पति के पास आ गई और पास से आ करके अपने सत्यवान का सिर अपने गोद में उठाकर सावित्री बिलख बिलख के रो रही है। सावित्री रो रही है कि भगवान क्या करिश्मा है आपका। हाँ गोदिया में पिया के बिठाई रो रनिया ये बाबू इधर सुसुक सुसुक के बुलक बुलक के सावित्री रो रही है कि भगवान आज कैसा वज्र मेरे ऊपर डाल दिए मैं किस ओर जाऊं। चले यमराज सत्य वान वाला लईके जनवा सावित्री अपने पति से कहने लगी कि स्वामी अब मैं किसके सहारे रहूंगी। तब यमराज आकर के पहुंचते हैं कहे कि सावित्री मैं यमराज हूँ और सत्यवान का प्राण लेकर जा रहा हूँ। चले यमराज सत्य वाना वाला लईके जनवा सत्यवान का प्राण लेकर यमराज जा रहे हैं। इधर पीछे सावित्री भी लग गई कि प्रभु हमारे पति का जीवन वापस कर दीजिए। बाबा यह सुनकर के
यमराज कहने लगे कि बिटिया जाना है वही जिसको जाना है, तुम नहीं जा सकती। बाबा कहे कि प्रभु कौनो उपाय बता दीजिए। तो यमराज देखे कह रहे क्या बाबा, अरे कहैया महाराज तू लौट जाओ बिटिया, वरदान मांग लीजिए लेकिन यमपुर जाना नहीं है, स्वर्ग को वही जाएगा जिसको जाना है, दूसरा कोई नहीं जाएगा। सावित्री जब सोच रही है कि कोई वरदान मांगना है तो सावित्री मांगने लगी, अरे हमारे पिता के गोदी दैदा एक लाला नामा, देखे वरदान चले आगवासी धार हो, देखे वरदान चले आगवासी धार हो, देखे वरदान चले आगवासी धार। आगे जा रहे हैं वरदान देकर सावित्री को, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे फिर लग गई। बाबा जब मुड़ करके यमराज देख रहे हैं कि सावित्री फिर वापस चली आ रही है, तो यमराज कह रहे हैं कि सावित्री से बिटिया अरे कहैया महाराज कुछ और मांगा बिटिया, अरे लेकिन चली पाई बुना यमपुर मझार हो, लेकिन वरदान मांगे कोई मांगला। यमराज की बात सुनी कि कोई और वरदान मांगने को कह रहे हैं, तो कहे प्रभु एक और वरदान मुझे दे दीजिए। कहे कि बताओ क्या, अरे हमारे पिता के गोदी दैदा एक लाला नामा, कि हमारे सासु और ससुर अंधी अंधा हैं, उनके आंख में रोशनी मिल जाए, और दूसरा वरदान उनके पड़ोसी के राजा उनका राज छीन लिए हैं, प्रभुओं का वापस दिला दें। ये वरदान पा करके और कहने लगी कि प्रभु हमारे पिता के केवल मैं ही एक संतान थी, प्रभु उनके गोदी में कोनो औलाद दे दें। अरे देखे बारे दान चले आगवासी धार हो, देखे दान चले आगवासी धार हो, देखे बारे दान चले आगवासी धार हो। कहे कि बिटिया आपके पिता को भी संतान जरूर मिलेगी। इधर वरदान देकर आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी पीछे लग गई सावित्री कि प्रभु अभी हमें संतुष्टि नहीं मिली। कहे कि बिटिया अगर कोई वरदान मांगना हो तो एक वरदान और मांग लीजिए। जब इतनी बात सुनी सावित्री की मुझे एक और वरदान मिलेगा, तो यमराज से कहने लगी हरे गोदिया में हमारे दैदा एक लाला नावा, देखे वरदान चले आगवासी धार हो, देखे वरदान चले आगवासी धार हो, देखे वरदान चले आगवासी धार। ए भैया इधर वरदान दे दिए,
तुम्हें संतान जरूर मिलेगा सावित्री, फिर भी सावित्री मानती नहीं है और यमराज के पीछे लग गई। बाबा यमराज मुड़कर देखने लगे कि सावित्री फिर वापस आ रही है। अरे तबहू न मान यमराज ऋषिया ने, अरे तबहू न मान यमराज ऋषिया ने, अब दे बताप सुना लड़की गवा, अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। हाथ जोड़ करके सावित्री कहने लगी कि प्रभु अभी तो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ये श्राप वाली भावना कहां से आ गई। सावित्री कहने लगी कि प्रभु आपने भूल कर दिया। कहे भूल, कौन सा भूल मैंने कर दिया। हाथ जोड़ करके सावित्री कहने लगी कि प्रभु, सावित्री से यमराज कहने लगे कि सावित्री अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अरे इतनी बात सुन करके सावित्री कहने लगी प्रभु बाबा अरे अभी तो आप आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन ये श्राप वाली भावना कहां से आ गई। सावित्री कहने लगी प्रभु आपने गलती कर दिया, आपने भूल कर दिया। कहे कौन सा भूल मैंने कर दिया। सावित्री कहने लगी प्रभु, हरे सावित्री बोली बतिया निभावै के परी, हरे सावित्री बोली बतिया निभावै के परी, हरे हमरे सैया के जीवनिया लौटावै के परी, आपने तो एक बार आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन प्रभु हम कैसे जाने कि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि श्राप देकर जा रहे हैं। हरे बिना पति कैसे खेली है गोदी में ललनवा, और चौके धर्मराज हाथ मल कर गुनानवा, कहे कि मैंने भूल तो कर दिया। लेकिन सावित्री कहने लगी कि प्रभु जो असंभव के संभव बना वही के परी, हमारे सैया के जीवनिया लौटा वही के परी, हमारे सैया के जीवनिया लौटा वही के परी, हमारे सैया के जीवनिया लौटा वही के आज को एहसास हो गया कि मैंने एक और वचन दे दिया और मैं इस वचन को कैसे निभाऊं। मजबूर होकर सत्यवान का प्राण लौटा दिए तो कहना बा, लौटाए अमराज सत्यवान के परनवा, अरे धन सती सावित्री चरण तू मेरा जगनावा, हरे सावित्री के गुण सदा गावै के परी, सावित्री के गुण हरे सदा गावै के परी, हमारे सैया के जीवनिया लौटावै के परी, अंत में
सावित्री के पति भक्ति से मजबूर होकर यमराज सत्यवान का प्राण लौटा दिए। अंत में गुरु घराने का परिचय देते हुए कहना बा, धन गुरु सीता राम श्याम, धन सावित्री की भक्ति। अमर हो गई भारत भूमि पे करके पति की भक्ति। आज सजनवा पे लागी नहिया, तो माधव बजरंगी के पूजन चरणवा।